हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियां बटोरने वाले बॉलीवुड एक्टर के यानी कमाल रशीद खान आए दिन कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो लाइमलाइट में आ जाता है। बीते दिनों उन्होंने इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली को लेकर ये कह दिया था कि उन्हें अपनी टीम से रिजाइन दे देना चाहिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया था और तो और कई लोगों ने उन पर अपनी भड़ास निकाली थी। वहीं जैसा कि आप जानते हैं, आज से 2019 लोकसभा चुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे माहौल में भला के कैसे चुप रह सकते हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, हम सबको वोट देने से पहले अपने देश और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। प्यार, शांति, शिक्षा, रोजगार और विकास हमारे लिए जरूरी है, ना कि हिंसा। तो देखा आपने, के ने लोगों से कहा है कि वो सोच समझ कर वोट डालें और विकास को वोट दें, हिंसा को नहीं। वैसे देखा जाए तो के सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और हर बार अपने विवादित बयान के चलते ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाते हैं और तो और कई बड़े दिग्गजों के गुस्से का शिकार भी हो जाते हैं। आइए, आपका तो दिन है आज। अभी हैं गुड्डू जी और नीतू जी। आगे चले गए? हाँ। क्यों? उन्होंने मर जाना था। अरे तो पहली बात तो आपकी तबीयत के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह की आपकी तबीयत, आपके फैंस काफी आपकी तबीयत के बारे में जानना चाहते हैं, क्या है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं आपके सामने हूँ, इंशाल्लाह एकदम परफेक्ट हूँ। इनको ये कहना चाहूँगा कि इनको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो और ऐसी जन्मदिन की पार्टियाँ ये अगले 100 साल करती रहें और हम आते रहें। थैंक यू सो मच। सर आए अपने कीमती समय देकर, मैम क्या कहना चाहेंगे आपकी जन्मदिन की पार्टी? मैं ये बोलना चाहूँगी कि सर कीमती समय देकर सिर्फ नहीं आए, ऑल द वे दुबई से बुलाया गया इनको, बिकॉज मैं चाहती थी कि ये ज़रूर आए। बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि के की तबीयत ठीक नहीं है, के को ये हो गया, ये वो वशीकरण हो गए, कुछ नहीं हुआ है, जीते जागते के आपके सामने खड़े हैं एंड ही इज टोटली परफेक्ट, मजे लेते हैं आपके। तब वशीकरण आपने ट्विटर पर भी आपने कहा है, तो कौन किया वशीकरण, कौन सा बॉलीवुड ने कर दिया है? किसी ने तो किया होगा, छोड़ दो, अभी जिसने किया है उसका भला हो। रिव्यू तो ठीक है यार, रिव्यू तो किसी को, देखो रिव्यू हम तो जो कहना होता है सच वही कहते हैं, बाकी जिसको पसंद आना है वो आएगा, जिसको नहीं पसंद आता वो भी ठीक है। दो फिल्म रिलीज होने जाती है अगले, मैं बीच में टोकना चाहूंगी, सबसे पहले आप बताओ आपको रज्जो का प्रोमो कैसा लगा? हाँ, वो बताओ। हाँ। रज्जो कौन सी फिल्म है? मैंने तो देखा नहीं। आप पीछे मुड़ के देख लो, ये मेरी शॉर्ट फिल्म है जिसमें मैंने काम किया। अरे वाह वाह, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं ये तो मैंने देखा, हाँ ये तो बहुत बढ़िया प्रोमो है। आप रज्जो को किसी और से रिलेट मत करो, किसी और की भी आ चुके हैं मुझे पता लगा। हाँ, मैंने समझा वो फिल्म की बात कर रही हो, नहीं ये शॉर्ट फिल्म की बात कर रही हो, बहुत अच्छी फिल्म है और सुपर ट्रेलर है। और ज़ीरो की बात की जाए तो देखिए, ज़ीरो का जो है वो बहुत बड़ा क्रेज़ है, मुझे लगता है बहुत बड़ी ओपनिंग मिलेगी।